स्मैजिक सीरीज के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाए। तो चलिए सीखते हैं। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, कोई बेस लेना है, बेस नंबर लेना है और उस नंबर के आसपास के नंबर्स के क्यूब निकालने हैं। इसका भी फंडा वैसे रहेगा जैसे हमने स्क्वायर सीखा है, सेम वैसे ही सीखेंगे। तो फर्स्ट नंबर लेते हैं 11, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो प्रोसेस यहाँ से यह है इसका, जैसे ये बेस हमने लिया इसका, बेस 10 के नज़दीक है ये, तो बेस 10 है। अब ये 10 से कितना ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इस 11 में एक का डबल जोड़ेंगे। जो भी जितना भी ज़्यादा होगा उसका डबल हमें इसी में जोड़ना होगा, ठीक है। सेकंड होगा कि अब यहाँ पे जो जोड़ा गया नंबर, जैसे ये 2 हो जाएगा और एक यहाँ था 3, तो अब ये 3 जो था, 3 को हम इसी बार पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे जो पहले ज़्यादा था। उसके बाद जो लास्ट वाला ये 1 है, 1 ज़्यादा था, उसका हमें यहाँ क्यूब लिखना है। ये पूरा स्टेप है इसका। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये 11 और 2 मिलके ये हो जाएगा 13, और यहाँ पे ये 3 और 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 1, ये 11 का क्यूब हो जाएगा। सेकंड नंबर लेते हैं, मान लिया हमें 12 का इस क्यूब निकालना है। तो 12, अब ये 10 से कितना ज़्यादा है, 2, तो हम क्या करेंगे 12 में 2 का 2 गुना, जितना ज़्यादा होगा उसका हमें 2 गुना इसमें जोड़ना है। और सेकंड काम क्या करना, जैसे अब यहाँ पे 4 हुआ और ये 2 पहले से ज़्यादा था, तो 6, तो यहाँ पे ये 6 का हम जितना यहाँ ज़्यादा था उससे उसी से इसमें गुणा करा देंगे, और बाकी जितना ज़्यादा था उसी का हमें क्यूब यहाँ पे जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 12 और ये 4, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 और 2 का हो जाएगा 12, और यहाँ 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब यहाँ बेस 10 है तो हमें 2 ही एक ही लिखना है, तो यहाँ पे 12 इसका 1 जो है इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8, तो ये हो जाएगा 17 28, ये 12 का क्यूब हो जाएगा। अगला नंबर लेते हैं 15, 15 का हमें क्यूब निकालना है। तो अब 15 देखिए बेस 10 से कितना ज़्यादा है, तो 5, तो 15 में हम 5 का डबल जोड़ देंगे, और फिर क्या करेंगे, जैसे ये हो गया 10 और 10 ये 5, यहाँ 15, 15 का 5 गुना, और जो 5 ज़्यादा था उसी का हमें यहाँ क्यूब लिखना है। तो ये हो जाएगा 10, 15 और 10 मिलके ये हो जाएगा 25, और ये 15 और 5 का मिलके 75, 25 का क्यूब करेंगे तो 125। अब यहाँ पे चूँकि इसका बेस कितना है 10 है, तो हमें सब जगह एक एक डिजिट रखना है, बाकी तो नहीं इधर आ जाएंगे, तो 575 में यहाँ से ये 12 आ जाएगा, इधर 5 बचेगा, ये 25 ऐसे रहेगा, इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 8 और ये 5, अब इसका 8 जो है इधर आ जाएगा, तो 25 में 8 जोड़ देंगे तो 3 3, ये 7 ये 5, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 7 5, ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 15 का क्यूब हो जाएगा इतना। अब अगला नंबर लेते हैं, मान लिया 102 का क्यूब निकालना है। तो अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा 100 के पास में है। अब यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा, 2, तो 2 का 2 गुना में इसमें जोड़ना है, कितना हो गया ये 2 4, और ये 2 6 हो गया, 6 का डबल, और उसके बाद 2 का जो है यहाँ पे हमें क्यूब रखना है। अब यहाँ पे ये 100 था तो हमें 2 2 डिजिट में रखना है इसको, तो यहाँ पे 102 में 4 जुड़ेगा तो 106 हो जाएगा, 6 का ये 12 और इसका हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 डिजिट में रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 161208, ये हो जाएगा 102 का क्यूब। 106 का इसको क्यूब देखते हैं, तो ये इसका भी बेस 100 रहेगा, तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये हो जाएगा 6, तो 106 में हम 6 का 2 गुना जोड़ेंगे, और अब यहाँ पे 6 दुनी 12 और ये 6 18 का यहाँ पे 6 गुना, ये 6 क्यों है, क्योंकि 6 ज़्यादा था, और यहाँ पे 6 का क्यूब यहाँ पे मैं लिखना है, तो ये हो गया 12 और ये 6, 118 हो गया, और 18 और 6 का गुणा कराएंगे तो 108, 6 का क्यूब करेंगे 36 6 का 216। यहाँ पे चूँकि बेस इसका 100 है इसलिए हमें 2 2 डिजिट रखना है, तो 1 और ये 2 सब इधर आ जाएंगे, तो इधर से 1 आएगा तो 119 हो जाएगा, इधर से 2 आएगा 10 हो जाएगा, और ये 16, इसका आंसर हो जाएगा 119 1016,
ये 106 का क्यूब हो जाएगा।